हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये सितंबर के महीने की राशिफल होगी, जिसमें हम देखेंगे करियर, लव में, ओवरऑल आप लोगों की हेल्थ वगैरह सब में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस महीने, ये हम टैरो रीडिंग के जरिए चेक करेंगे। और जिन लोगों को फर्स्ट रीडिंग करवानी होती है, डिटेल स्क्रीन पर है आप लोगों के सामने, नंबर्स मेंशन है, आप वहां पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। साथ ही साथ हमने एक वर्कशॉप शुरू किया है सितंबर 22 की, वो वर्कशॉप होने वाली है स्पिरिचुअल जर्नी की वर्कशॉप होगी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपके स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप हैं तो आप कैसे पता कर सकते हैं, अगर जर्नी में बहुत ज्यादा स्टक हो गए, लेट्स से आप अपनी लव रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय से स्टक है, नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे उस रिलेशनशिप में मूवमेंट लाए या यूनियन आए, या हम जो है नॉर्मल फील कर सकें, अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें, हैप्पी रह सकें, पीस ऑफ माइंड मिसिंग है, अकेलापन महसूस हो रहा है, इन सब चीज स्थिति से गुजर रहे हो और नहीं समझ पा रहे कि करना क्या है, बहुत से वीडियोस देखे पर आइडिया कुछ लग नहीं रहा है, तो ये वर्कशॉप डेफिनेटली आपके लिए है। ये एक दिन का वर्कशॉप होने वाला है 22 सितंबर को, जो कि जूम कॉल पे लाइव साक्षात मैं जो है सामने आपको बताऊंगी। 12 बजे का ये होगा वर्कशॉप, आपको 2 घंटे या 3 घंटे जो है, ये 2 से 3 घंटे का वर्कशॉप रहने वाला है, जिसे आपको अटेंड करना है। अटेंड करना जरूरी है क्योंकि उससे ही आप लोग जो है ध्यान देते हैं, रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी इसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं होंगी। ये साल में एक ही बार होता है क्लास, लास्ट टाइम ये क्लास जो है 500 से ज्यादा लोगों ने जो है अटेंड की थी और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स इसके मिले थे, मुझे बहुत अच्छे फीडबैक्स मिले थे। सो आप लोग अगर अभी भी कंफ्यूज्ड है अपनी लाइफ में और नहीं समझ पा रहे कि कैसे अब आगे बढ़ें, स्टक एनर्जी आ गई है, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और कुछ आइडिया नहीं लग रहा है ये पोर्टल्स क्या होते हैं, ये जर्नीज में अगर हैं तो इतनी स्थिति ऐसी क्यों है, आउटकम क्या होगा, आगे क्या चीज़ें होंगी और कौन से वो सेलिब्रिटीज थे जो सेम सिचुएशन से गुजरे हैं और उन्हें उनकी भी लाइफ में क्या क्या चीज़ें घटित हुई, ये सब के बारे में हम इस पर स्टडी करने वाले हैं। तो इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने के लिए दिया गया जो नंबर स्क्रीन पर है उस पर आप व्हाट्सअप करें, टीम आपको डिटेल्स देंगी, आपको पे करना है डेफिनेटली और उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजना है, उसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, उसके बाद आपकी सीट रजिस्टर हो जाएगी। आप 22 सितंबर को बस आपको ये अटेंड करना है और आप सब कुछ समझ जाएंगे, अपनी लाइफ में जो स्टक सिचुएशन है इसमें से बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। सो इसे अटेंड जरूर कीजिएगा अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपकी सिचुएशन में लाइफ में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है तो, ठीक है। उसके अलावा ब्रेसलेट वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो उसकी भी डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है, आप व्हाट्सअप करें, आपको अपने बर्थ नंबर या अपनी परेशानी के अनुसार ब्रेसलेट मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। ये रीडिंग सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के बेसिस पर है, लेकिन कोशिश करें नाम के अनुसार देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपको चाहिए तो आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, नाम के अनुसार, स्टार साइन, लग्न राशि, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। ये सभी जेंडर्स के लिए बनाई जाती है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए थी या था पे कंफ्यूज मत हो जाना, एनर्जीज पे फोकस करना, ठीक है। और इस रीडिंग में मैं जो है जितना डिटेल हो सका उतना डिटेल जो है मैं चेकआउट करूंगी, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रीडिंग को। अब बारी है सितंबर मंथ के लिए, देखेंगे कर्क राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। एक सेकेंड, हाँ, कर्क राशि वालों के लिए बताएं क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। टेन ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्स, ओ एट ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्स, हाई प्रिस्टेस, नाइन ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, डेविल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इस महीने दिमाग से बहुत चलेंगे कर्क राशि वाले, कर्क राशि वालों समय अच्छा दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं दिमाग से चलेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, बहुत स्ट्रांगेस्ट एनर्जी रहेगी आपके लिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांगेस्ट, कहीं ना कहीं एटलीस्ट आपकी फैमिली लाइफ में बहुत चीजें अच्छी रहेंगी इस महीने। कहीं ना कहीं आपको जो सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस बहुत समय से नहीं मिल रही थी वो फैमिली में मिलेगी, कोई गेट टुगेदर या सोशल इवेंट भी इस महीने आप अटेंड करते नजर आएंगे, कोई ना कोई गेट टुगेदर है जहां पे आप पार्टिसिपेट करेंगे, कोई सोशल इवेंट जिसमें आप बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे इस महीने। लोग आपको अप्रिशिएट बहुत करेंगे, काफी लोग आपको पसंद करेंगे, काफी लोग आपको ऐसे देखेंगे जैसे कि आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हो, बहुत इंस्पायरिंग पर्सन हो, आप लोगों को इंस्पायर करते नजर आ रहे हो, लोगों को एक काइंड ऑफ वो वाइब देंगे जहां पे लोग आपसे राय लेना पसंद करेंगे, आपसे सजेशन लेना पसंद करेंगे, वो एनर्जी आपकी एक स्ट्रांगेस्ट एनर्जी बनेगी। तो इस महीने कहीं ना कहीं एनर्जीज बहुत अच्छी है कर्क राशि वालों आप लोगों के लिए। करियर फाइनेंस में देखा जाए तो आप अपने जॉब में खुद को स्टक फील कर सकते हैं, आपको लग सकता है कि यार मैं बहुत लंबे समय से इस जॉब में हूं पर उतना ज्यादा मुझे मिल नहीं रहा है जितना मिलना चाहिए, पता नहीं प्रमोशन कब होगी, कब बात होगी,
प्रयास करें, आपके लिए सफलता कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। न्यू जॉब के लिए ट्राई करेंगे, न्यू जॉब मिल सकती है। प्रयास करने पे अगर अपने सीनियर से बात करें तो सफलता का कोई रास्ता भी जरूर निकल आएगा। इस महीने आपको प्रयास करने की जरूरत है। स्टक एनर्जी जरूर फील होगी, आप अपने बिजनेस में या अपनी जॉब में खुद को स्टक फील करेंगे, बट आप अगर प्रयास करेंगे, बात करेंगे, चीजों को सॉर्ट आउट लें। फॉर एन एग्जाम्पल, जॉब में आप अपने सीनियर से बात कर लें कि ग्रोथ होगी कि नहीं, इंक्रीमेंट कुछ हो नहीं रही है, मैं सोच रहा हूँ स्विच करने के लिए, तो वो आपको एडवाइस करेंगे कि अच्छा ये फलाना इस टाइम पे आप जो है इंक्रीमेंट पाएंगे या नहीं होगा, तो आप कम से कम एक क्लैरिटी आपको आ जाएगी कि चलो अब मुझे नया जॉब देखना चाहिए, तो आप ऑन द अदर साइड जॉब देखना शुरू करेंगे। तो नई अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली इस महीने आपको मिल सकती है, बस दिमाग से काम करना है, ठीक है। इस महीने बिजनेस का भी सेम हाल है, जैसे कि मैंने कहा बिजनेस में आपको लग सकता है एक स्टक पीरियड है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम या जो है ग्रोथ हो रही है, उतनी ज्यादा नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, तो आपको किसी सीनियर से बात करने की जरूरत है। इस महीने चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप किसी टैरो रीडर को भी अप्रोच करेंगे या किसी पंडित को अप्रोच करेंगे। किसी सीनियर से या किसी एक्सपीरियंस पर्सन से आपको बात करनी चाहिए, उससे आपको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, ग्रोथ मिल सकते हैं, बिकॉज इस महीने आपको रिवॉर्ड्स और ग्रोथ दिखाई दे रहा है। बट क्यों आपको किसी सीनियर से बात करनी चाहिए, उससे आपको बहुत और आइडियाज मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, मे बी मोटिवेशन, मे बी आपको आइडियाज, किसी ना किसी तरीके से कोई एक्सपीरियंस बुजुर्ग पर्सन आपकी हेल्प करने वाला है, ठीक है, या आप अपने इंट्यूशंस की वजह से भी बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। इस महीने की एनर्जी में जहां पर मैं देखूं, सिब्लिंग्स के साथ आपका बहुत अच्छा टाइम बीतेगा, भाई बहनों के साथ आप बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे, हैप्पी रहेंगे, उनके साथ खुश रहते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ एक अच्छा एक्साइटिंग थ्रिलिंग एनर्जी रहेगी। और अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए भी रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। इस महीने आपके बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे, एग्जाम में फोकस भी बहुत अच्छा होगा और पढ़ाई वढ़ाई में भी आप बहुत अच्छा ध्यान देंगे। मन चाहे कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए तो मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत अच्छे होंगे, आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, अच्छी ग्रोथ और रिटर्न आएंगे। यहाँ प्रॉपर्टी वगैरह आप बाय करने वाले हैं तो प्रॉपर्टी जरूर लेते हुए इस महीने नजर आएंगे। इस महीने की एनर्जी अगर लव अफेयर में देखी जाए कैसी रहेगी, लव अफेयर के मामले में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मामले में मैं कहूंगी कि आप अपने पर्सन को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर बड़े पजेसिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पजेसिव, प्यार बहुत देंगे, बहुत लव देंगे, बट बहुत ज़्यादा आप उन्हें कंट्रोल में रखने का प्रयास करेंगे कि मेरे हाथ से ज़्यादा बाहर जाने की कोशिश मत करो। थोड़ा सा आप उन्हें जो है अपनी मुट्ठी में रखने का प्रयास करते हुए, उनके ऊपर ध्यान देते हुए, उनके ऊपर नज़र रखते हुए ज़्यादा नजर आएंगे। रोमांस बहुत रहेगा, लव बहुत रहेगा, उनके साथ आप इंजॉय भी बहुत करेंगे, लेकिन हाँ आपको उनके बिहेवियर पे कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी, जिसकी वजह से आप उनसे बहुत ज़्यादा पूछताछ करते हुए, उनको शक की नज़र से ज़्यादा देखते हुए नजर आएंगे। इस महीने हेल्थ के मामले में थोड़ा सावधान हो जाए, हेल्थ एकदम से बिगड़ सकती है। ये जो आपकी जॉब और बिजनेस में जो स्टक एनर्जी बन रही है वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ की वजह से बन रही है, तो ऐसा हो सकता है कि आराम नहीं मिल रहा है, हेल्थ खराब है, छुट्टी नहीं ले पा रहा हूँ, या बिजनेस में मुझे जाके खड़ा रहना पड़ रहा है, तो इस बात से इरिटेट हो सकते हैं, आपको लग सकता है यार तबीयत खराब हो गई है, पर ये सामने वाले जो हैं बॉस समझ नहीं रहे, लोग समझ नहीं रहे, आराम नहीं करने दे रहे, तो ऐसी एनर्जी आपको फील हो सकती है, बुरा लग सकता है। हेल्थ आपकी खराब हो सकती है, सडन फीवर हो सकता है, अचानक से बहुत फीवर हो सकता है, गले के रिलेटेड कोई टॉन्सिल्स वगैरह हो सकते हैं, बैकएक हो सकता है, अचानक से बैकएक हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, बेसिकली आपको जो है सीजनल फीवर होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, अचानक से हो सकता है। यहाँ पर इस महीने की अगर मैं आपको मैरिटल लोगों के बारे में बताऊँ, जो लोग मैरिड हैं उन लोगों का क्या हाल रहेगा, मैरिड लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी रहेगी, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कोई भड़काता रहेगा, जिसके वजह से पार्टनर का बर्ताव अच्छा नहीं रहेगा इस महीने आपके साथ। इस महीने आपको लग सकता है कि पार्टनर या तो बुरी आदतों में ज़्यादा फंसे हुए हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना, बहुत ज़्यादा खाना पीना, बहुत उल्टी सीधी चक्रों में ज़्यादा पड़े हुए हैं, या नेगेटिव बहुत सोच रहे हैं, हर बात में नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, तो आपको इस बात का बुरा लग सकता है। आपको एक पल ये भी सकता है कि यार सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल ही जाए यहाँ से, तो मन बहुत इनको लेकर परेशान हो सकता है, आप अपसेट हो सकते हैं पार्टनर के बर्ताव से, ठीक है। लेकिन आपकी फैमिली के बाकी सारे मेंबर्स के साथ आपका टाइम बहुत अच्छा बीतने वाला है, आप सबको बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, जैसे कि मैंने कहा आप एक इंस्पिरेशन बनेंगे लोगों के लिए, सोशल वर्ल्ड में लोगों के साथ हर कोई आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हुआ नजर आ रहा है। अब दुनिया को नहीं दिखा रहे जो अंदर से आपके ऊपर बीत रही है, जो अंदर आपके ऊपर बीत रही है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन बाहरी रूप से आप बहुत नॉर्मल दिखते हैं। यहाँ पर मैरिड लोगों के लिए डेफिनेटली एक टेंशन की स्थिति बन रही है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ उन लोगों की, वो लोग सिंगल हैं तो शादी को लेकर परेशान आप हो सकते हैं, अच्छा ऑफर नहीं मिल रहा है इस चीज़ को लेकर एग्जॉस्ट हो सकते हैं। डोंट वरी, आने वाले समय मुझे ऐसा दिख रहा है, फ्रेंकली स्पीकिंग जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर आपको बहुत अच्छा ऑफर आ सकता है, वो इतना अच्छा ऑफर होगा कि आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, बट इस साल कहीं ना कहीं शादी को लेकर एक संघर्ष जरूर रहने वाला है आप लोगों के लिए। यहाँ पर अगर आप किसी को मनी मन पसंद करते हैं तो उस व्यक्ति के ऊपर आपका अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि क्रश है तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स डेवलप कर लेंगे, उस व्यक्ति को लेकर आप बहुत एक्साइटेड और अच्छे अच्छे गाने सुनते हुए झूमते हुए नजर आ रहे हैं,
पर ध्यान रहे, उस व्यक्ति का सत्य जरूर जान ले, उस व्यक्ति की तरफ से आपको कोई धोखा मिल सकता है। थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है, थोड़ा वाइस चलने की जरूरत है दिमाग से, क्योंकि उस व्यक्ति की बातें आपको लुभा रही हैं, उस व्यक्ति का एक्शन आपको लुभा रहा है, लेकिन चांसेस है कि वो व्यक्ति आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं जिसका आपको बाद में पता चल सकता है। यहाँ पर एनर्जीज अगर मैं देखूं ओवरऑल, आपकी स्पिरिचुअलिटी के मामले में आप थोड़े से जीरो चल रहे हैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की जरूरत है। पूजा पाठ में मन लगाए, मेडिटेशन वगैरह करें, मन शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, चीजें बेहतर हो सकती हैं। इस महीने सोशल लाइफ अच्छी रहेगी, नए दोस्त बन सकते हैं, पुराने दोस्त जो हैं वो मुझे ज्यादा कॉन्टैक्ट में नजर नहीं आ रहे, नए लोगों से दोस्ती जरूर हो सकती है। इस महीने की एनर्जी में क्या है, क्या देखने को मिल रहा है, कुछ नया अपने बारे में जानने को मिलेगा, कुछ नए स्टडीज, नई एनर्जीज में, नई एक्टिविटी में एक न्यू बिगनिंग आपके साथ दिखाई दे रही है। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रहा है, और ये दिखाई दे रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ कि आप इस महीने कुछ ऐसे चीजें सीखेंगे या देखेंगे जिससे आप खुद को पूरी तरह बदलने का निर्णय लेंगे। आप ना बोलना सीखेंगे, आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखेंगे, आपको रियलाइज होगा कि आप हमेशा खुद को बैक सीट में रखते हैं और दिस टाइम आप बोलेंगे कि बस इनफ इज इनफ, मैं अब अपनी कार खुद चलाऊंगी या मैं अपनी गाड़ी अब खुद ड्राइव करूंगी। आप बैक सीट से उठकर फ्रंट सीट पे आने की एक तैयारी जरूर करते हुए इस महीने नजर आएंगे, यानी कि इस महीने आपको अपनी सेल्फ वर्थ का, आपको अपने वजूद का एहसास होने वाला है। फाइनेंसेस ओवरऑल देखे जाए तो अच्छे हैं, रिलेशनशिप्स के मामले में मैरिड लोगों के लिए चीज़ें अच्छी नहीं है, लेकिन लव अफेयर वालों के लिए चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। सिंगल्स के लिए भी स्थिति इतनी ज़्यादा कुछ खास अच्छी नहीं है जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। ओवरऑल अगर मैं स्पिरिचुअलिटी में देखूँ तो आप लोग बहुत कम जा रहे हैं, थोड़ा पूजा पाठ अगर मेडिटेशन वगैरह पे ध्यान देंगे तो चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन हो सकती है। इस महीने में आपको कहूँगी कि काली चीज़ों का दान जो है आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। अगर इस महीने कोई काली चीज़ों का दान करेंगे, जैसे कि कोई काला कपड़ा, काले जूते या कोई भी काली चीज़ें अगर आप दान करते हैं, कोई बैग वगैरह, तो वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। दान आप किसी को भी कर सकते हैं, जैसे आपके घर के मेड्स हैं या बाहर कोई व्यक्ति है जो ज़रूरतमंद है, आप उनको दे सकते हैं, उससे आपको काफ़ी, इवन काली साड़ी भी अगर आप दे देते हैं या काली शर्ट दे देते हैं तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो काली चीज़ों का दान ज़रूर करें इस महीने, वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। और हेल्थ को लेकर मैं एक एडवाइस जो आपको दूंगी वो ये है कि बुज़ुर्ग अगर आपको कुछ गाइड कर रहे हैं कि बेटा काढ़ा पी लो, बेटा ये कर लो, तो उनकी एडवाइस पे ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि बुज़ुर्गों के चलते आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके बुज़ुर्ग ही आपको अच्छे से हील कर पाएंगे। इस महीने जैसे कि मैंने आपको कहा, फैमिली के साथ एक हैप्पी एनवायरनमेंट रहेगा, बच्चे हो, परिवार के सदस्य जैसे भाई बहन हो, उनके साथ बहुत मज़े करेंगे, मम्मी पापा के साथ बहुत इंजॉय करेंगे, तो आपके फैमिली लाइफ में बहुत चीज़ें अच्छी हैं, आप एक्साइटेड रहेंगे, उनके साथ हैप्पी रहेंगे, इवन सोशल गेट टुगेदर इवेंट्स भी बहुत अटेंड करेंगे। तो अपनी लाइफ की हैप्पीनेस पे ज़्यादा फोकस करें और अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें, मन को बोझल ना करें, मन को हैप्पी रखने की कोशिश करें, ठीक है। ओवरऑल सेल्फ वर्थ आपको पता चलने वाली है, यानी कि आने वाले महीने में आप बड़े बड़े बम फोड़ने वाले, ऐसी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि आप जो है बहुत कुछ बढ़िया करेंगे, ठीक है। सो ओवरऑल मैंने सभी चीज़ें कवर कर ली विद गाइडेंस, आपको गाइड कर दिया कि आपको क्या करने की जरूरत है। सो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ क्लैरिटी मिली होगी। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मैं बताना भूल गई, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मैं बोलूंगी स्थिति सेम रहेगी, कॉन्टैक्ट में पार्टनर नहीं आएंगे, पार्टनर के बिहेवियर और बर्ताव को लेकर, उनकी ना बात करने को लेकर आपका मन टूट सकता है, आपको लग सकता है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ इनजस्टिस कर गए और आपके साथ गलत कर लिया, आप उनको याद बहुत कर रहे हैं, बट उनको भूलकर आगे बढ़ने में ही ज़्यादा समझदारी रहेगी इस महीने, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आपको अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओम साईं राम।